गुड मॉर्निंग एंड सुबह सुबह मैं आप लोगों से मिल रही हूँ एक कलश लेकर के, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ कलश यात्रा में। और मतलब कलश यात्रा से आने के बाद आप लोगों के साथ तो इतने सारे पकवान शेयर करने वाले हैं ना कि आप लोगों का भी सर चकरा जाने वाला है इतने सारे पकवान देख करके। ये देखो हमारे बच्चे लोग बिंदी छीनने पे लगे हुए हैं मेरे। सबको बिंदी चाहिए। मैं ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी रेडी हो गई थी क्योंकि सुबह सुबह किचन में ना उत्तपम का घोल तो बनाया था, बट हमारे पति देव सेकेंगे उत्तपम और हम लोग, मैं और मम्मी जल्दी जल्दी रेडी हो गए थे मंदिर जाने के लिए, बट कुछ ज़्यादा ही जल्दी रेडी हो गए थे। अभी ना बहुत टाइम था तो मैं रेडी होकर बैठी थी, फिर लड्डू रानी को उसके पापा ने नहलाया, उसको रेडी करके फिर मैं आ गई थी यहाँ कलश यात्रा के लिए। अब यहाँ से शुरू होगी, मतलब मंदिर तक जाने के बाद शुरू होगी हमारी कलश यात्रा। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। और आपको आज का व्लॉग बहुत मस्त लगने वाला है और इतना सारा खाने का वैरायटी और रेसिपी भी देखने को मिल सकता है आपको आज के व्लॉग में। हमने कलश यात्रा शुरू किया तो हमारा घर पड़ा, देखो डीजे से छत पे कपड़े पसार रहे हैं, तो हमने सोचा ना कि क्यों ना अनमोल को घर पे छोड़ दे वरना इतनी दूर चल नहीं पाएगा, बट वो लड़का माना नहीं और साथ में आया। आगे देखिएगा उसने क्या किया थोड़ी ही दूर आ जाने के बाद। चल नहीं जाऊंगा घर जाके क्या करेगा, चल चलते हैं उनके पीछे पीछे घूमते हैं। नहीं मैं घर जाऊंगा खेलूंगा। सब्जी लेने चले, सामने सब्जी है। इतने सारे बच्चे हैं लेकिन ये लड़का हम मम्मी ले ली गलत। हाँ मम्मी ले ली बात। तो ये हम लोग मार्केट तक आ गए थे जहाँ से हमने नया फ़ोन तक खरीदा था, बट यहाँ से आगे नहीं जा पाए और सब लोग आगे निकल गए और हम छूट गए यहीं। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, पति देव को मैंने कॉल लगा दिया था तो वो मुझे लेने आ गए। इसकी वजह से वापस आना पड़ा, हम तो घूम लेते तो हम लोग आ गए घर। और आज हमारे यहाँ बना था, सुबह सुबह ही बना था ये उत्तपम। और क्लिप मैंने यहाँ से शुरू किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि 28 जुलाई जिस दिन मेरा बर्थडे था उसके अगले दिन से मैंने व्लॉग तो शेयर किया नहीं क्योंकि सिर्फ मेरा बर्थडे व्लॉग पार्टी और वो सब जाता रहा। अब इतने सारे मेरे वीडियोज़ बने हुए हैं तो मैं ये सारे तो शेयर करूँगी, तो अभी से आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार, मतलब मान के चलो 2-3 दिन के व्लॉग देखने को मिलने वाले हैं। तो ये आज सुबह कलश यात्रा से पहले हमारे बने थे उत्तपम और हमारी लड्डू रानी
कर रही हैं। और ये बर्थडे के नेक्स्ट डे का वीडियो है जिस दिन की सुबह सुबह बना था चने की सब्जी बनी थी और मैं इधर रोटी बना रही थी और हमारे बच्चे जो है ना ये कुर्सी लाला के दे रहे थे कि ओहो मम्मी खड़ी होके क्यों बना रही हो, आ जाओ आराम से कुर्सी पे बैठ जाओ। वैसे मैंने कुछ ना ओल्ड एज कई लोगों के व्लॉग देखे हैं, कुछ ओल्ड एज जैसे घर में होते हैं ना सासू माँ वगैरह जैसे बहुत बूढ़ी हैं, तो मैंने देखे हैं कि चेयर पर बैठ के पराठे सेकना या रोटी सेकने का काम कर देना, जिनके भी मतलब बहू वगैरह पार्लर चलाते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं तो उन लोगों के मैंने ऐसे देखे हैं कि कुर्सी पे बैठ के और नीचे से बेलते जाना और ऊपर देते जाना ऐसे करके। आप लोग बताना, मैं आपने किसी के ऐसा ब्लॉग देखा है, मैंने देखा है तो किसका है आप लोग बताना, वो काफ़ी शायद फेमस भी हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है लेकिन मैंने ब्लॉग देखा था और उनके हस्बैंड भी बहुत सारे किचन के काम वगैरह में भी हेल्प कराते हैं, तो इसी तरह से सासू माँ नीचे से पराठे बेल बेल के देते जाती हैं ऊपर, कुछ इस तरह से था। अब चलो तो फिर बातें हैं अपने ब्लॉग पे, कहीं कहीं कभी कभी मैं ना रास्ते भटक के कहीं और से कहीं और फिसल के चली जाती हूँ, बट जिस फील्ड में है तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो देखते हैं तो शेयर की जा सकती है और अच्छा लगता है, अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, मतलब इससे दिखता है कि हाँ फैमिली में कितने सपोर्टिव है। तो वैसे मेरी सासू माँ उधर बैठ के प्याज छील रही हैं, वो प्याज काट के देंगी तो फिर हम बनाएंगे चने की सब्जी। और आज के ब्लॉग में मोस्टली सब्जियाँ ना मैं ही बनाने वाली हूँ और पति देव से थोड़ा बहुत हेल्प भी लेने वाली हूँ, तो सब कुछ देखने को मिलेगा। तो रोटी देखने के बाद मैं इधर मम्मी ने प्याज व्याज काट दी थी, फिर हमारे पति देव आए तो उन्होंने कुकर चढ़ा दिया कि चलो हम लोग ही बनाते हैं, तो मम्मी प्याज आलू काट के दे दी थी, फिर हम लोगों ने मिलजुल के सब्जी बनाया। और पहले मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक रही थी और आज लड्डू रानी हमारी बहुत परेशान कर रही हैं, व्लॉगिंग नहीं करने दे रही हैं। और आपको कैसा लगा हमारा कलश यात्रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या बोले बाबा? अच्छा बाबा बोले कि बेसन खाया जाता है। अच्छा और ये रहे बाबा, क्या बोले हैं बाबा कि बेसन खाया जाता है, बेसन बेसन है बेसन खाते हैं, बेसन कई को नहीं देते खाते बेसन थोड़ी खाया जाता है। तो आज आपको कई सारे रेसिपी भी देखने को मिल जाएगी, तो मैं चने की सब्जी कैसे बनाती हूँ आप लोग बताना कि कैसे बनाते हो, क्या इसी तरीके से बनाते हो कि नहीं ये ज़रूर बताना। तो मैं क्या करती हूँ ना कि फ़ौरन देकर के, इधर मैंने रोटी बना के रख दिया है, फ़ौरन देती हूँ और उसी में डाल देती हूँ प्याज, प्याज को फ्राई करने के बाद ना उसी में आलू डाल देती हूँ, फिर उसको भी 2 मिनट फ्राई करती हूँ और फिर सारे मसाले डाल के फ्राई करती हूँ और फिर चना डाल देती हूँ और फिर चना डालने के बाद भी 2-3 मिनट फ्राई करती हूँ और बस पानी डाल के सीटी लगा देती हूँ, इस तरह से बनाती हूँ। और हींग ज़रूर डालती हूँ मैं छोले में, छोले कह रहे सॉरी चने में छोले में सब में डालती हूँ, बाकी सारे वही बेसिक मसाले जो होते हैं मसाले सब्जी वाले वो सारे इस्तेमाल करती हूँ, गरम मसाले का इस्तेमाल मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, पति देव कभी कभार कर देते हैं, बाकी सासू माँ बनाती हैं तो उसे गरम मसाला डालती हैं। और ये शाम में बना रहे थे हमारे पति देव पेजुआ बना रहे थे, तो मैं आई किचन में तो मैं देखी कह रहे वाह ये क्या हो रहा है यहाँ पे, और मैं आप लोगों को बताऊँ तो मैं पेजुआ बिल्कुल नहीं खाती हूँ, तो इस वजह से ना बनाने के लिए भी ना हमारे पति देव मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं, वो खुद ही बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से इधर पकौड़े उन्होंने तल रखे थे और ये रात में बनने वाली थी आलू प्याज की भुजिया। आपको कैसी अच्छी लगती है? मुझे सिर्फ आलू वाली प्लेन भुजिया अच्छी नहीं लगती, उधर दूध चढ़ा हुआ है और मेरी दूध चढ़ा के मैं ना धीमी आंच पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर दूध गिर जाए ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है पता नहीं क्यों, तो मैं ना कोशिश ये रहती है कि कभी दूध मेरे से गिरे नहीं। और कई लोगों को देखते हैं कि जब भी चढ़ाएंगे तो गिर ही जाता है, तो मैं अक्सर मैं टोकती नहीं हूँ बट वो चीज़ मेरे माइंड को थोड़ा सा हिट करता है। और आपको आलू का भुजिया कैसा लगता है, सिंपल आलू वाला या फिर प्याज डाल के? मुझे ना प्याज डाल के आलू का भुजिया बहुत अच्छा लगता है और थोड़ी सी कुड़कुड़ी कुड़कुड़ी सी बननी चाहिए। पहले तो मुझे ना आता नहीं था, तो मैं क्या करती थी ना, क्या हुआ लडुरानी, तो मैं क्या करती थी ना आलू प्याज को डाल के थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ना ढक देती थी, और ढका हुआ भुजिया ना बहुत मतलब नहीं अच्छा बन पाता है, थोड़ा सा वो भी रहता है कि एक ट्रिक होता है कि हाँ ढक के भी बना रहे हैं ना तो कभी ढक रहे हैं कभी खोल रहे हैं ऐसे करके, तो थोड़ा कुड़कुड़ी बढ़िया वाली भुजिया बनती है जो आपस में चिपकते नहीं है। मैं क्या करती, ढक के काफ़ी देर छोड़ देती और फिर उसके बाद ना वो हलवा जैसा भुजिया बन जाता है और वो स्वाद ही नहीं आता, गबड़ गबड़ हो जाता है, तो मैं इस वजह से ना एकदम खुले में बनाती हूँ, धीमी धीमी आंच पे भुजिया बनाती हूँ। तो मैंने ये ट्रिक अपनाया है, ये मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी,
तो पहले तो मैंने कभी नोटिस किया नहीं शादी से पहले। शादी के बाद मुझे भुजिया बनाने में जब बहुत दिक्कत आई ना, तो फिर मैंने फिर अपनी जब मैं गई थी ना पहली बार 1.5 साल पे गई थी अपने घर, तो फिर मैं ना मम्मी को नोटिस करती थी कि मम्मी भुजिया बनाती कैसे हैं। तो मैंने ये देखा कि मेरी मम्मी भुजिया को ढक के नहीं बनाती है, वो ना तेज़ आँच पर, खूब तेज़ आँच पर तेल को गर्म करती हैं और जो भी भुजिया बना रही हैं आलू प्याज जो भी चीज़ का बना रहे हैं वो सब डाल देती हैं और फिर उसको तेज़ आँच पर 2 मिनट भूंजने के बाद आँच को कर देती हैं धीम और फिर मसाले डालकर उसे फ्राई करती जाती हैं। तो बिल्कुल कुड़कुड़ी वाली भुजिया बनती है। और अगर तेल ज़्यादा डल गया है तो क्या करते हैं ना कि ऐसे सब भुजिया को एक तरफ करके और ऐसे अटका के छोलनी से छोड़ देते हैं, तो सारा तेल घर के बीच में आ जाता है। बट मैं ना भुजिया में तेल एकदम इस हिसाब से डालती हूँ कि वो एक्स्ट्रा ऐसे नहीं आता है और बिल्कुल सब भुजिया में पूरा वो सक हो जाता है, उसी हिसाब से डालती हूँ। और इधर आटा वाटा सान दिया है हमने और दूध वूध बॉयल हो चुका है और मुझे जाना था नहाने इतने देर में। मैं आज जल्दी काम थोड़ा इसलिए निपटा ली थी, पता है करीब मैं ना 7-7:30 बजे ये सारा काम करके रख दी थी इसलिए क्योंकि मुझे बाल सुलझाने थे, मुझे बाल सुलझाने का टाइम मिलता ही नहीं है। मेन क्या होता है ना, व्लॉगिंग करती हूँ फिर घर के भी काम में हाथ बटाती हूँ, मतलब हाथ क्या बटाती हूँ, मैं ही घर की लेडीज़ हूँ तो काम भी करती हूँ, मम्मी भी हेल्प कराती हैं और काम फिर भी पता है कितना भी हेल्प होना है तो फिर भी काम इतना रहता है ना घर में कि होते होते फिर बच्चे होते हैं ना जब छोटे तो उनमें पूरे दिन लगे रहना पड़ता है हर 2-2 घंटे पर और थोड़ा सा अपना भी शरीर है तो थोड़ा मन करता है कि थोड़ी देर लेट ले तो नहीं हो पाता है। और ये देखो अनमोल ने क्या किया है, कंघी गुम कर दिया है। मैं बोल रही हूँ कंघी कहाँ है, अनमोल तो बहाने बना रहा है और कंघी नहीं मिल रहा मेरा। 3-4 कंघी आती मेरी बट एक भी नहीं मिल रही है, मुझे जाना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा। अनमोल कहाँ रखे हो कंघी? बरसों बाद हम बाल अपना सुलझाने जा रहे थे, इस लड़के ने कंघी कहीं घपला कर दिया है। गे रही लड्डू, ए लड्डू रानी नारियल का तेल लगाई हूँ। हाँ कल ज्यादा पैक पैक रह गई मोटा मोटा, तो पापा ने कहा कि जा मेरे अलमारी से ले ले कोई कंघी और कर ले। तो फिर मैं उन्हीं के रूम में गई तो फिर मुझे एक कंघी मिला और मेरी कंघी मैं बताऊं आपको तो मैं जो मोटा वाला कॉम्ब होता है ना मेरी बाल उससे कॉम्ब हो पाते हैं, बट अभी बाल छोटे करा लिए ना तो मेरे पतले वाले कंघी से भी हो जाते हैं। तो पापा के रूम में बहुत सारे पतली कंघी थे उससे मैंने बाल बनाए और फिर मैं आ गई थी रूम ठीक करने, सारे कपड़े वपड़े मतलब आपने बर्थडे वाले दिन देखे होंगे सब वैसे ही कपड़े मेरे पड़े थे, सब फोल्ड किया मैंने। और फिर इसके बाद हमारी लड्डू रानी और छत पे से कपड़े अभी आए हैं, ये रात का वीडियो है और अभी वो भी फोल्ड अप करना पड़ेगा शाम में कि अभी एक बार और करना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं लग गई थी लाडो रानी को मालिश करने में, खिलाने पिलाने में और ये 2 बार में करके थोड़ा थोड़ा खाएंगी, एक बार 8 बजे खाती है फिर एक बार 10 बजे थोड़ा सा खाएगी। और मैं इसको छोटू सी गिलेरी जैसी ऐसे आ रही थी मेरे ऊपर तो मैं इसकी वीडियो बना रही थी। अब यहाँ से आपको ना थोड़ा सा नेक्स्ट डे का भी ब्लॉग देखने को मिल जाएगा, ये रात की वीडियो है यहाँ पे एंड हो जाएगा और फिर नेक्स्ट मतलब इतने सारे मेरे वीडियोस पड़े हुए थे ना और मैं एडिटिंग कर रही थी लेकिन आपने देखा होगा कि बर्थडे वाला ब्लॉग कितना ज़्यादा लंबा लंबा बन गया था। एक तो हमारा चैलेंज वाला बना था, फिर एक पार्टी करने वाला बना था, घर पर केक कटिंग का, तो मतलब वो सब में ना ये सब वीडियोज़ जा ही नहीं पाए तो मैंने छोड़ ही दिया था। अब ये नेक्स्ट सुबह की शुरुआत हुई थी गीले चावल से क्योंकि देखा आपने कि कितना चना भुजिया पकोड़े तकोड़े वो सब खाने के बाद तो यही हाल होएगा ना, तो गीला चावल से सुबह की शुरुआत हुई है। और मैं बनाने जा रही थी इसकी सब्जी, ये क्या है तो पेक्ची है, अरबी बोलते हैं इसको, पेक्ची भी बोलते हैं, तो चुटकी बजा के मैंने बर्तन धुल दिए हैं। इधर अरबी की सब्जी बन रही है, सॉरी गीला चावल सुबह का क्लिप था, अरबी की सब्जी वाली रात की क्लिप है, ऐसे कुछ है। हाँ तो ये रात का वीडियो है तो जब देख रहे हो तो ध्यान आ रहा है, तो शाम में बर्तन थे उतने सारे, वही मैं सोची कि सुबह सुबह इतने बर्तन कैसे, वो शाम के बर्तन थे। और गीला चावल जो था ना ये शाम में अनमोल के लिए जा रहा था और थोड़ा सा कनिका के लिए जा रहा था जो कि सासू माँ रूम में खिला देंगी और इसके बाद दूध फिर वापस वही अब बॉयल हो रहा है। बर्तन दिन के सारे जो पड़े थे सब मैंने धो दिए, दूध दो जगह दूध को बॉईल करने में मेरी इतनी मेहनत लगी इस वजह से क्योंकि ना बड़े वाले पतीले में दूध इकट्ठा हो रखा था और छोटे छोटे से पतीले में भी थोड़े थोड़े दूध थे, तो उसको शिफ्ट करते करते फिर आखिरी में क्या की ना कि दही जो जमाना था ना हल्का गर्म करके दही जमा ही दी एक तरफ साइड करके ताकि 2 पतीले एटलीस्ट खाली हो जाएँ जिसमें कि मैं दूध को बॉईल कर लूँ। और मैं बना रही थी पिक्ची की सब्जी, आधा पिक्ची तो हमारा ख़राब निकल गया क्योंकि पता नहीं क्यों हार्ड था, बहुत ज़्यादा हार्ड था और थोड़ा सा ना ब्लैकिश हो गया था, तो जो अच्छे अच्छे निकले पिक्ची उन सबको मैंने फ्राई कर लिया और हो जाएगा इतनी सब्जी में काफ़ी हो जाएगा। और पिक्ची की सब्जी हाँ मुझे नहीं पता घर में शायद
मेरे देवर जी नहीं खाते हैं, तो मम्मी ने कुछ फ्राई किया था, वो मैं ना नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, मतलब कल के व्लॉग में मम्मी ने बाद में थोड़ा सा क्या फ्राई किया था। चलो बता देती हूँ, हरी मिर्ची और मेथी जो होते हैं ना, मेथी के दाने, उसको फ्राई करके सब्ज़ी बनाई थी, बट बहुत ज़्यादा तीखी बनी थी और पापा भी नहीं खाए थे, मैं भी नहीं खाई थी, हमारे पति देव ने खाए थे, उनको तो तीखी सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, बाकी देवर जी भी नहीं खा पाए थे, उन्हीं के लिए बना था लेकिन वो भी नहीं खा पाए थे और बहुत तीखी थी। सुबह क्या हुआ ना कि अगले दिन मैंने उसका क्लिप लिया है, इस वजह से आपको कल देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं ना उस वक्त नहीं ली थी, मैं खाने चली गई थी, फिर रूम में चली गई खाना लेके, तो ध्यान ही नहीं रहा क्लिप लेने का। तो यहाँ अभी हमारी सब्ज़ी जो है वो थोड़ी सी बॉयल होएगी, इतने देर में मैं आटा लगा के रख दूंगी, और आटा लगाती हूँ तो मैं ना प्रात क्लीन करके करने में लगी रह जाती हूँ, और बढ़िया से एकदम मैश करती जाऊँगी। और ये देखो लड़ रानी आ गई थी बीच में पानी पीने के लिए, तो मैं इनका वीडियो बना, इनको छोटा सा भी कुछ राई के दाने के बराबर भी कुछ कहीं लगा दिख जाए ना, तो उसको बड़ी ध्यान से देखती है और उसको फिर हटाती है। थैंक गॉड उसके हाथ पे तिल विल नहीं है, नहीं तो वो पूरे दिन तिल ही हटाती रहती, उसके ना शोल्डर पे तिल है। आम निकाल के रखे हैं पतिदेव, जिससे कि पानी में डालना होगा, हम कम से कम ना आम को एक घंटे पानी में डाल के छोड़ देते हैं तब खाते हैं, बहुत अच्छा रहता है, पेट में गर्मी नहीं होता है ऐसे। इसके बाद मैं अपने आ गई थी परात को चिकनाने में, और मैं आटा सानती जाती हूँ जब तक कि मेरा पूरा जो परात चारों तरफ से चिकना ना हो जाए। सब लोग बोलते हैं कि थोड़ा गीला आटा सान के, मतलब थोड़ा सा गीला नहीं, सॉरी, मतलब ऐसे ही आटा मिला के छोड़ दो और फिर थोड़ी देर बाद उसको मिलाओ ना तो वो बढ़िया से मतलब रेडी हो जाता है, बट वैसे छोड़ती हूँ ना तो परात में कुछ आटे चिपक जाते हैं, और जो कि मुझे देख के बड़ा इरिटेशन होता है, मुझे रोटी बनाते वक्त परात चाहिए एकदम चिकना चिकना, कुछ ऐसे काम है जो मुझे बहुत फिनिशिंग से चाहिए। मुझे तो पहले ऐसा लगता था ना कि मुझे कहीं ओसीडी तो नहीं हो गया कि मैं इतना ज़्यादा चिकनाती रहती हूँ हर चीज़ को, क्योंकि ना क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा वो हो जाती आदत। मैं ना कबाड़ भी ना पहले 2-3 दिन पे ही ना पूरा कबाड़ खाली करती थी, सड़ियाती थी, और कहीं धूल गर्दा उसको पोछती रहती थी कि एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, लेकिन बच्चे हुए ना तो मेरा सारा ओसीडी भाग गया है और मुझे अब उतना नहीं है, लेकिन अब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं ना तो मुझे वापस से वही वाला रोग लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ चिकना चिकना और साफ़ सुथरा होना चाहिए। और इधर वापस मैंने डेली कपड़े फोल्ड करना, रूम ठीक करना, ये सब धीरे धीरे करके अब मैंने वापस से शुरू किया है जैसे पहले करती थी, क्योंकि अब बच्चे क्या है इधर उधर घूमने में भी, जैसे अभी पापा के पास रहते हैं तो मैं थोड़ा रूम तो साफ़ कर ही सकती हूँ। सब्जी वब्जी मेरी रेडी हो गई है, आटा सान के रख दिया है, और रूम देखा आपने, रूम वूम सब क्लीन हो गया मेरा, और इधर आटा ढक के मैंने छोड़ दिया था। तो रात में हमने जो खाए हैं, रोटी हमारी सासू माँ बनाई है, और ये है वही जो सब्जी बनाई थी पेक्ची वाली, वो खाई है, और दिन में तो कलश यात्रा में भी गए थे और उत्तपम खाए हुए थे दिन भर। तो व्लॉग कैसे लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा।